आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश अनुसार और स्थानीय जल समस्या, अघोषित बिजली कटौती एवं अनियमित जल प्रदाय व्यवस्था के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा स्थानीय गांधी चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन के माध्यम से स्थानीय प्रशासन को सूचित किया गया है कि यदि जिले भर में जल्द बिजली एवं जल से संबंधित समस्या ठीक नहीं की गई तो कांग्रेस पार्टी चरणबद्ध तरीके से आगामी दिनों में उग्र एवं उत्तेजित आंदोलन करेगी। प्रदर्शन में मुख्य रूप से महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष पूनम जायसवाल, कार्यवाहक जिला अध्यक्ष गौरव शर्मा सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। किया है क्या पूरा मामला? जी देखिए, इस बढ़ते तापमान में मई जून जैसी गर्मी, तेज गर्मी में एक आम आदमी को क्या चाहिए? पानी और बिजली। आज ये सरकार इतनी मूलभूत सुविधा देने में भी असमर्थ हो रही है। जहाँ देखो कई वार्डों में तीन तीन दिन, चार चार दिन तक पानी नहीं आ रहा है। यहाँ पे अपने अपने समय के अनुसार जब देखो जब बिजली चली जाती है, रातों रातों तक लोगों के वार्डों में बिजली नहीं है। आपको यदि मेंटेनेंस है, हम भी समझते हैं कि मेंटेनेंस का भी एक समय होता है, तो आप पूरे वार्ड के अनुसार या आधे शहर के अनुसार एक बिजली कटौती का समय फिक्स कर दीजिए। उसके अनुसार हर व्यक्ति अपने कामों से फ्री हो जाएगा। महिलाएं अपने किचन से फ्री हो जाएंगी, पुरुष जो भी हैं अपने कंप्यूटर की निट की शॉप से, कार जो ऑफिसेज हैं अपने टाइम के अनुसार वो लोग फ्री हो जाएंगे। दिन भर दो दो घंटे, चार चार घंटे अपने मन से यहाँ बिजली जा रही है। चार तीन तीन दिनों तक पानी नहीं मिल रहा है। गर्मियों में जनता को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, ये साफ दिखता है कि भाजपा को ये लगता है कि अब हमारी तानाशाही चलेगी, अब हमारे आगे कोई बोलने वाला नहीं है, जनता को हमारे तरीकों से ही जीना पड़ेगा। आज उसी विरोध में हम लोग पूरे कांग्रेस परिवार के जिले के और पूरे जिले में हमारी आज सभी जगह जिस तरह का विरोध प्रकट किया जाएगा। और बहुत ही कर दी है, बहुत ज्यादा बिजली और पानी के लिए जनता को परेशान किया जा रहा है। उसी तारतम्य में आज हमने यहाँ पे विरोध प्रकट किया है। बताइए सर, जो आज आप लोग जो आंदोलन कर रहे हो, गौरव जी, क्या मांगों को लेके आप लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हो? प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के निर्देशानुसार और जन भावनाओं के सुख सुविधाओं में निरंतर इस कड़ी 45 डिग्री और 46 डिग्री तापमान के बीच जो बिजली कटौती शासन के द्वारा और स्थानीय प्रशासन के द्वारा की जा रही है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और ऐसे इतने अति टेम्परेचर में बिजली का काटा जाना, पानी भी समय पे उपलब्ध न कराना, कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार और स्थानीय सरकार के द्वारा लोगों के ऊपर किया जा रहा बहुत बड़ा भेदभाव है। इसी के विरोध में माननीय कमलनाथ जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में आज समस्त नगरीय निकाय और समस्त जिला स्तर पर इस आयोजन को किया जा रहा है। गौरव जी, इसमें क्या आप अधिकारियों से भी जाके आप लोग मिलोगे, क्या अधिकारियों से बात करोगे? निश्चित रूप से आज हमारा ये पहला चरणबद्ध तरीके से होने वाले आंदोलनों में पहला कदम था। आगे अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो हम निरंतर धरना प्रदर्शन करेंगे और अधिकारियों के पास ऑफिस में जाकर दबाव बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।